मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कोविड 19 की समीक्षा के दौरान कहा कि रैपिड रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के अनुसार जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने योग्य नहीं है उन्हें तत्काल L1, L2 या L3 कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मंडलायुक्त ने CMO को निर्देश दिया कि कोविड अस्पताल में बेहतर खाना एवं साफ सफाई सुनिश्चित करें तथा कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी जांच सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना वार्ड में बुजुर्ग मरीजों की सहायता के लिए वहां भर्ती मरीजों में से ही किसी को वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे बुजुर्ग मरीजों की सेवा और बेहतर हो सके। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र को जोनवार विभाजित कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना जाँच सुनिश्चित की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों के खून एक्सरे की जाँच की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि कंटेंट ट्रेसिंग के लिए अभियान के रूप में कार्य किया जाए जिससे कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए और 24 घंटे के अंदर उनकी जांच सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त ने विकास खंडवार पॉजिटिव एवं कंटेंट ट्रेसिंग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश CMO को दिए। मंडलायुक्त ने संचारी रोग दस्तक अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि चिन्हित लोगों की जाँच सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर JP मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो यदि ये दो दिन आप ठीक से रेस्ट करके नाम दे दें क्योंकि ये अलग अलग है तो दो दिन ही तो चार दिन में तो ये कम से कम 4,000 खत्म कर ही देंगे। थोड़ा सा इसमें दे देंगे तो ये जो हमारे ऊपर वो है राष्ट्र दिया है और ये बड़ी संख्या है। आप होमवर्क करेंगे तो उससे होमवर्क ही नहीं करना, आप मदद करेंगे कई बंद कर दें। हाँ 393 में कर अब अगर हम IIT के मैं IIT हूँ और मैं मौके पर गया मुझे किसी व्यक्ति को सर्च करना है माइक ऑन कर देना। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करना है तो हमें 400, 500 या 1000 डेटा में उस आदमी को ढूंढना पड़ता था। तो कल सिविल सर के डायरेक्शन पे मैंने निर्णय लिया जी, हमने ये निर्णय लिया कि हमें अगस्त तक का मतलब सितंबर को छोड़कर के 31 अगस्त तक का जितना डेटा था उसको पोर्टल पर ओवर कर दिया मतलब उसको क्लोज कर दिया। केवल और केवल सितंबर का डेटा और 2 अक्टूबर तक का डेटा है। अभी आज हम एक बार और प्रोसेस करके निर्णय ले लेंगे कि हम साहब 10 दिन उसका होम आइसोलेशन ओवर होने का है, 14 दिन हम उनको प्रोटोकॉल के तहत कर देंगे आप क्वारंटाइन में रहें, 24 दिन पुराना डेटा हम क्लोज कर देंगे। 7 दिन कल रात को जब हमने देखा था तो हमारा पहला ये कहा है कि वो आज हमारी एक टेस्टिंग साइट को विजिट कर लें, वहां पर ये डायरेक्शन दे दें कि जैसे ही कोई बंदा पॉजिटिव होता है उसका वो मोबाइल रीटेस्ट कर लें, रीवेरीफाई कर लें। मैंने ये देखा था कि RRT को कई कार्य से हमारे पास 55 नाम आए तो उसमें 15 में मोबाइल हमें बता दो और इसके जो 10-12 प्रश्न है वो हम अपने ही मोबाइल से उसको अपडेट कर देंगे।